के सांवेर में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना है। हमले के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर थाने का देर रात घेराव कर दिया। मुरैना में जहां जहरीली शराब पीने से हुई 20 से ज्यादा मौतों के बाद प्रशासन नींद से जागा है, इसी कड़ी में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की दरमियानी रात पुलिस डायल 100 टीम को सांवेर के पास बड़ोदिया खान ग्राम में शराब दुकान पर अवैध रूप से शराब बिकने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां विवाद हो गया, जिसके बाद गांव के करीब 50 लोगों ने डायल 100 की टीम को गांव में ही घेर लिया। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। महिला की मौत के बाद थाने का घेराव, इस दौरान भगदड़ हो जाने के कारण एक महिला रास्ते में गिर गई, जहां वह भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। लोगों ने महिला की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए रात करीब 12 बजे बड़ोदिया थाने का घेराव कर दिया। लिहाजा सांवेर पुलिस की सूचना पर देर रात ही इंदौर से भारी पुलिस बल सांवेर रवाना करना पड़ा। अवैध शराब की सूचना पर बड़ोदिया खान गाँव में सांवेर पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ा था। उस गाड़ी में से कुछ लोग उतर के भागे और उनके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया। उनमें से एक को पकड़ लिया है और गाड़ी में से 11 पेटी शराब की जब्त हुई है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसी भगदड़ में दूसरी गली में एक कोई महिला का किसी उससे एक मतलब मृत्यु हुई है और उसको लेकर के गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस की भगदड़ के कारण उसको हार्ट अटैक आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा धक्का दिए जाने से घायल होने पर महिला की मौत हुई है। वहीं इस घटना में कई पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा गया है। घटना में कई पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ पर जो घटनाक्रम की जानकारी मिली पुलिस अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम और SDM साहब यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों को समझाइश दी गई। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हो रहा है कि जो घटनाक्रम है ये इसको लिंक अवश्य कर दिया है, लेकिन अप्रत्याशित है। इसका घटना से एकदम सीधा संबंध कोई स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये पुलिस के द्वारा जिस वाहन में शराब रखी हुई थी, जहाँ से जो आरोपी थे उससे ये अलग गली में घर उस महिला का स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध इस घटनाक्रम से नहीं है। और पुलिस को जब बाद में ज्ञात हुआ तो पुलिस स्वयं वहाँ पर गई उस गांव में दोबारा भी, तो ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम का सीधा लिंक नहीं है, लेकिन घटनाक्रम एक साथ लगभग एक ही समय पर हुआ है, इसलिए उसका लिंक प्रथम दृष्टया नहीं होने के बावजूद भी बताया गया। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे एडिशनल SP ने और हमने भीड़ को समझाइश दी। एक महिला की डेट हो गई, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि पुलिस वाले जो थे वो 100 नंबर डाल वाले दारू वाले को पकड़ रहे थे। हाँ। और वहाँ से ऐसी भागदड़ मची, पुलिस गाड़ी रोकी उन्होंने पुलिस दारू वाले की, और वहाँ से ये भागे। पुलिस वाले उनके पीछा कर रहे थे, गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी दारू वाले ने उनके पीछा करा पुलिस वाले ने। जहाँ मेरी भाने जो खड़ी थी वहाँ पुलिस वाला टल्ला लगा और मेरी भानेज गिर गई। हाँ। और मृत हो गई वहीं पे। तो उसमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कितनी पकड़े थे, ये जानकारी जरूर थी कि पुलिस वाले दारू वालों को पकड़ पीछा कर रहे थे। कोई परिचित नहीं थे, कौन थे क्या मालूम थे, भाग गए, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। घटना के बाद सांवेर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।